अच्छा, अब मैंने 5 न्यूटन की फोर्स जो ए पे ऐड कर रही थी वो मैंने हटा दी। उसको हटाने का रीज़न क्या है कि मोमेंट की कैलकुलेशन के लिए जो फोर्स पिवट पे ऐड करती है वो इग्नोर हो जाती है, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं होता। अगर मैं बी पॉइंट को पिवट मानता तो फिर मैं 10 न्यूटन को इग्नोर कर देता। अच्छा, अब देखें, अब दो फोर्सेज हैं, 10 न्यूटन की वजह से रॉड घूमेगी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कितना मोमेंट आ रहा है इसका, 10 × 2 यानी कि 20 न्यूटन मीटर, और 5 न्यूटन की वजह से ये रोटेट करेगी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आ रहा है, 5 × 4 विच इज ऑल्सो 20 न्यूटन मीटर। तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी व्हेन व्हेन क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, व्हेन क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सो रिजल्टेंट मोमेंट इज जीरो एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट रोटेट। तो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा। अच्छा, अब एक बात बताएं, क्या कॉन्क्लूजन निकालूं, क्या ये रॉड वाकई में इक्विलिब्रियम में, आप लोग ये बताइएगा, इज द रॉड इन इक्विलिब्रियम और नॉट। दोनों चीजें मैंने चेक कर ली, अब क्या लगता है कि रॉड को इक्विलिब्रियम में डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी बेटा, क्या कहते हैं आप लोग, इज द रॉड इन इक्विलिब्रियम और नॉट। यस, आप लोगों से पूछ रहा हूँ बेटा, क्या कहेंगे। अब दोनों कंडीशंस चेक हो गई, क्या रॉड इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। जी एग्जैक्टली, द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज बिकॉज बोथ कंडीशंस आर वैलिड, क्योंकि दोनों कंडीशंस आपकी वैलिड हैं, तो आपके पास रॉड इक्विलिब्रियम में है, लाजमी है, रॉड इज सपोज टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज मैंने आपको सिर्फ ये चीज समझाई है कि हमारे पास मोमेंट क्या होता है, व्हाट इज मोमेंट, मोमेंट क्या होता है ये मैंने बताया, मोमेंट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला वगैरह क्या है, ये चीज मैंने बताई सिंपल। और इसके साथ जो है वो मैंने थोड़ा सा बस आपसे डिस्कस ये किया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब देखें, ये बात याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप जो है वो या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें या परपेंडिकुलर फोर्स निकाल लें, अगर मेरे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और इस पे ये पिवटेड है, यहाँ पे इस जगह पे इसका पिवट है, और यहां पर जो है वो आपने इस पे कोई फोर्स लगाई, सपोज आपने यहां पे कोई फोर्स लगाई इसमें,
इस जगह पे, और वो फोर्स है 70 न्यूटन, ठीक है, और उसका एंगल आ रहा है 60 डिग्रीज। चेंज कर देता हूँ थोड़ा, 50 कर देता हूँ लेट्स से। अच्छा, अब अगर आप चाहोगे तो आप यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो इस जगह से। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये निकलेगा साइन थीटा से। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 50 के हिसाब से ये अपोजिट है, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्रीज के सामने वाला। सपोज ये 2 मीटर है, तो आपने इसको कैसे निकाला? आपने लिखा साइन 50 बराबर है डी अपॉन एच के। तो डी अपॉन एच का मतलब ये कि हाइपोटेन्यूज की जगह आपने 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू साइन 50 मल्टीप्लाई बाय 2। कितना आंसर आ रहा है डी का? जी बेटा, डी का आंसर बताएं जरा, जल्दी से बताइएगा। जीरो पॉइंट नाइन एट 0.98 मीटर। तो अब आप क्या करेंगे? आपको मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 70 × 0.98। बेटा इसका भी आंसर बता दें कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? सिक्सटी सेवन एट पॉइंट सिक्स 68.6 न्यूटन मीटर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगर मैं यही फोर्स इसके ऊपर परपेंडिकुलर लगा दूं ऐसे, तो आप देखें मसला हल हो गया हमारा। अब हम मोमेंट निकालेंगे इसका 70 × 2, तो वो आ जाएगा 140 न्यूटन मीटर। तो देखिए प्रूफ क्या हो रहा है कि मोमेंट मोमेंट इज मैक्सिमम व्हेन फोर्स एक्ट्स, व्हेन फोर्स एक्ट्स परपेंडिक्यूलरली, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर यही फोर्स मैं इसके ऊपर लगा दूं ऐसे लाइक दिस, और ये इसका डिस्टेंस है 2 मीटर, तो बेटा इस केस में, इस केस में आपका मोमेंट आएगा मिनिमम यानी कि 0। अच्छा, क्यों 0 आएगा? मिनिमम क्यों आएगा? 0 क्यों आएगा? क्योंकि फोर्स जो है वो पिवट के साथ बिल्कुल पैरेलल है, इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है। हेयर फोर्स इज पैरेलल, पैरेलल पॉइंटिंग टुवर्ड्स टुवर्ड्स पिवट, ये पिवट है। सो मोमेंट इज 0। तो बेटा कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, मोमेंट इज कंप्लीटली 0 इन दिस केस, कंप्लीटली आपका मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ अभी फोर्सेस के चैप्टर में हल्का सा आपको मोमेंट का आइडिया दिया आज, इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस डिस्कस की, और ये जो स्टेटमेंट है ना कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इसको अक्सर और बेशतर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑफ मोमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये भी सिखाया कि या तो फोर्स परपेंडिकुलर कर दें या डिस्टेंस को परपेंडिकुलर कर दें, ये हमारे पास ये चीजें हम लोगों ने इसमें आज सीखी है बस। चले बेटा, आज बस यहीं तक रखूंगा अपनी बात, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में